नमस्कार बच्चों, आज आपकी कक्षा 9 के प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति का जो द्वितीय भाग है उसको अपने पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहले भाग में हमने जाना कि फ्रांस का समाज कैसा था। जैसे कि मैंने बताया था, एक स्टोरी के रूप में इसको पढ़ेंगे, तो मैंने बताया था कि जो बस्टाइल का किला है उसको दहन कर दिया जाता है, उसका नष्ट कर दिया जाता है उसको 14 जुलाई 1789 में। तो वो क्यों करते हैं, वो समाज किस प्रकार का था, गरीब लोग कैसे जी रहे थे, अमीरों के पास कैसे विशेषाधिकार थे, अमीर लोग संख्या में कितने थे, गरीबों की समस्याएं क्या थी, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा। यानी हमारी अब तक की कहानी में आ चुका है कि राजा या जो विलन है हमारी कहानी का वो किस प्रकार से कितना बुरा है। तो अभी देखते हैं अपने जो जनता है वो किस प्रकार से जागरूक होती है और कौन ऐसे लोग हैं जो उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां तक लोग क्या है क्रांति करने की, उसके खिलाफ विद्रोह करने की, उसकी खिलाफत करने का कार्य शुरू करते हैं। तो देखते हैं, अपना पहला पॉइंट होगा आज का मध्यम वर्ग का उदय। मिडिल क्लास जो थी, यानी जैसे कि मैंने बताया था, तीन एस्टेट्स थे। पहले एस्टेट में पादरी, दूसरे एस्टेट में क्या है कुलीन वर्ग यानी राजा का परिवार, और थर्ड स्टेट में क्या था, दो भाग थे, एक तो मध्यम वर्ग और एक उनसे निम्न वर्ग जो किसान मजदूर या ठीक है श्रमिक वगैरह जो लोग थे, कृषक मजदूर थे, वो तीसरे वर्ग में आते थे। तो तीसरे वर्ग के दो भाग थे, फर्स्ट भाग जो था वो मध्यम वर्ग था, उसके बारे में हमने पढ़ा है। दूसरा भाग जो है अपना थर्ड स्टेट का, पहला भाग तो क्या है मध्यम वर्ग, और सेकंड पार्ट जो है वो क्या था, किसान या मजदूर वगैरह जो थे उसके बारे में पढ़ा है, उनकी क्या क्या समस्याएं थी। ठीक है, आज अपने पढ़ेंगे कि मध्यम वर्ग का उदय किस प्रकार से हुआ, मध्यम वर्ग क्या था और मध्यम वर्ग ने क्या क्या कार्य करके बताए। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं मध्यम वर्ग का उदय कैसे होता है। जो छोटे मोटे व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, समुंदर पार जाकर व्यापार करना शुरू किया। वो रेशमी ऊनी कपड़ों को बेचा करते थे, यहाँ तक कि उनको समुंदर पार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कुलीन वर्ग के जो लोग थे, बड़े ऊंच वर्ग के जो लोग थे, वो भी उनका जो वस्तुएं वगैरह थे वो खरीद लेते थे। तो मध्यम वर्ग का एक वर्ग जो था वो था व्यापारी वर्ग। ठीक है, एक वर्ग के अंतर्गत कौन आ गए, व्यापारी या व्यवसायी लोग आ गए, व्यवसायी। ये क्या है, दिनों दिन क्या है इनके पास धन इकट्ठा होता जा रहा था, तो ये क्या है एक रूप से शिक्षित भी वर्ग के रूप में भी उभरने लगा। दूसरा, साथ ही साथ क्या है, इनको ध्यान में आने लगा कि जो ऊपर वाले दो एस्टेट के वर्ग हैं उनके पास क्या नहीं होना चाहिए, विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी के पास जन्मजात अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें शिक्षित वर्ग के लोग भी थे, जैसे वकील। ये वकील जो पेशेवर लोग थे, पेशेवर मतलब जो पैसे से वकील थे, या फिर डॉक्टर थे, डॉक्टर या शिक्षक, जो क्या है समाज में एक शिक्षा का प्रतीक प्रदर्शित कर रहे हैं, ये खुद शिक्षित हैं, तो इसे शिक्षा का प्रतीक प्रदर्शित करने वाले शिक्षित लोग, व्यापारी या व्यावसायिक जो क्या है मध्यम वर्ग के रूप में उभर रहे थे, इनके पास धन की पूर्ति हो रही थी। इन लोगों ने क्या है निकाला निष्कर्ष कि किसी के पास भी जन्मजात विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। एक बात को समझ के रखना चाहिए कि जनता के पास अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो समान रूप से होना चाहिए, सभी के पास समान रूप से अधिकार होना चाहिए, लेकिन किसी एक वर्ग विशेष को, विशेषाधिकार को भी जन्म के साथ, यानी अगर वो कुछ कर लेता है, उसकी योग्यता है तब तो उनको मिले, तो वो अलग चीज़ है। किसी अच्छे पोस्ट पर वो पहुंच गया है तो उसको विशेष अधिकार मिलेगा, जैसे कोई कलेक्टर बन गया है तो उसको क्या है सुविधाएं अलग दी जाएगी जो आम नागरिक को नहीं दी जाती है। लेकिन क्या है जन्म के साथ कोई विशेष अधिकार देना, ये क्या था, गलत था। तो ये जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो विशेषाधिकार वर्ग, जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, जैसे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग थे, उनके बिल्कुल विरोधी थे। ये चाहते थे कि सभी को समान रूप से अधिकार मिले, सभी को क्या है स्वतंत्रता मिले,
और सभी क्या है समान रूप से कार्य कर सके, किसी भी वर्ग का शोषण न हो, ना ही ये हो कि सिर्फ एक वर्ग जो है वो कर देता रहे और दूसरा वर्ग जो है वो क्या है पूरी लग्जरी लाइफ जीता रहे, वो ऐस करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्यम वर्ग के लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया और इस प्रकार का कार्य करवाना शुरू किया। नेक्स्ट इसमें क्या है, सहायता करते हैं दार्शनिक लोग। इस वर्ग के जो दार्शनिक लोग थे वो इसमें सहायता करते हैं। फॉर एग्जांपल लोक व रूसो, ये फ्रांस की क्रांति की क्या है महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनकी मार्गदर्शकता या इनके मार्गदर्शन से ही क्या है फ्रांस के क्रांतिकारियों ने, फ्रांस के मध्यम वर्ग के लोगों ने और सभी ने क्या है इनके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य किया। किस किस ने? जॉन लॉक और रूसो की सहायता से। अब जॉन लॉक जो था उसने क्या है अपने एक विवरण में या अपनी एक पुस्तक में क्या है बताया था कि राजा के पास निरंकुश अधिकार नहीं होने चाहिए। वो ऐसा मानता था कि राजा कोई देवीय शक्ति का प्रतीक नहीं है। उस समय के राजा क्या है अपने आप को देवीय शक्ति का प्रतीक मानते थे। लेकिन जॉन लॉक ने इस बात का खंडन किया, साथ ही साथ क्या किया कि निरंकुश अधिकार नहीं होने चाहिए राजा के पास, उसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। वो क्या है ये नहीं हो कि अपनी मर्जी से सब कुछ करता रहे, उसको जनता की राय लेनी चाहिए, उसको किसी विशेष वर्ग या विशेष शिक्षित वर्ग या क्या है एक सभा की राय के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इन दोनों अधिकारों देवीय शक्ति वाला और निरंकुश अधिकारों का विरोध किया राजा के, किसने? जॉन लॉक ने। ये पहला दार्शनिक या कह सकते हो विद्वान था। दूसरा रूसो ने क्या है अपनी पुस्तक के अंतर्गत बताया कि जो अमेरिका के अंदर क्रांति हुई है, रूसो द स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज उसके अंतर्गत बताया कि जो अमेरिका के अंतर्गत क्रांति हुई है उसके बाद, यानी अमेरिका के लोगों ने क्या है ब्रिटेन के लोगों ने उपनिवेश बना रखा था, उन्होंने क्या किया अमेरिका के लोगों ने उस उपनिवेश को हटा दिया और अपने को क्या है स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपने आप को स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करवाने लगे। उसने बताया द स्पिरिट ऑफ लॉज में रूसो ने कि जो क्या है शासन की पद्धति होनी चाहिए, शासन या प्रशासन की जो पद्धति होनी चाहिए वो अमेरिका के अनुसार होनी चाहिए। यानी कार्य जो है वो किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए कि वो करेगा तभी वो कार्य होगा या वो चाहेगा वैसा ही कार्य होगा, बल्कि होना चाहिए क्या कि कार्यपालिका होनी चाहिए, विधायिका होनी चाहिए और साथ ही साथ न्यायपालिका का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। रूसो क्या है अपनी पुस्तक के अनुसार इस प्रकार की क्या है शासन व्यवस्था चाहता था जिसके अंतर्गत क्या हो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो और विधायिका हो। तो ये दोनों जो विद्वान थे इन्होंने क्या है मध्यम वर्ग के लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आपको क्या है अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए, आपको क्या है अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, उसका जो आपके ऊपर निरंकुश रूप से शासन कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए। ये सारी चीज़ें या इस प्रकार की जो चीज़ें थी जो क्या है लोगों को में राष्ट्रवाद की भावना को भर दे, लोगों में स्वतंत्रता की चाहत को बढ़ा दे, इस प्रकार की चीज़ें क्या है पत्रिकाओं अखबारों आदि में क्या है पुरजोर रूप से छपने लगी थी। साथ ही साथ लोग क्या करने लगे थे अब जो अपने मीटिंग वगैरह की जगह होती थी कॉफ़ी हाउस, यानी जहाँ कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए लोग आते थे, होटल वगैरह छोटे मोटे रेस्टोरेंट आप कह सकते हो, या फिर सैलून यानी नाई की दुकान बाल कटवाने के लिए या हलवाई की दुकान वगैरह वगैरह, इन जगह की चीज़ों पर क्या है वो चर्चा करने लगे थे। और चर्चा का विषय एक ही होता था कि विशेष अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता सभी के पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चाएं लगातार बढ़ने लगी थी। जो शिक्षित लोग थे वो इस प्रकार की चर्चाओं को जोर जोर से किया करते थे या अखबारों को पत्रिकाओं को जोर जोर से पढ़ के बताया करते थे ताकि अनपढ़ लोग भी क्या है अपने
आपको उनसे मिला सके। अनपढ़ लोगों की में के अंदर भी क्या है, वो चाहता है कि वो स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये क्या है, मध्यम वर्ग का उदय हुआ और मध्यम वर्ग ने क्या है इस प्रकार से रोल अदा किया कि किसान से लेकर मजदूर या जो दैनिक दिहाड़ी करने वाले लोग थे, जो अनपढ़ थे, जो शिक्षित नहीं थे बिल्कुल भी, उन सभी लोगों को क्या है स्वतंत्रता के लिए तैयार कर दिया कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें समान अधिकारों के लिए मांग करनी है, ये सभी कार्य हमें करने हैं जरूर जरूर। तो ये क्या है मध्यम वर्ग का क्या है रोल था, यानी एक तरह से कहा जाए तो क्रांति के लिए चाहते तो मध्यम वर्ग के बाद वाले लोग थे, यानी थर्ड स्टेट के बाद वाले लोग, किसान वगैरह चाहते थे क्रांति होनी चाहिए। लेकिन जो क्रांति की वास्तविक पर ज्वाला जो है या वास्तविक जो कार्य है वो किसने किया, मध्यम वर्ग ने किया, क्योंकि वो अब क्या हो चुके थे, शिक्षित हो चुके थे, उनको जानकारी हो गई थी अब, ठीक है। तो जो इनका कार्य था या इनको करना चाहिए था मध्यम वर्ग को, वो मध्यम वर्ग ने किया और ये जो चाहते थे वैसा ही हुआ और क्रांति हुई भी। और क्रांति हुई थी उसका शुरुआत में मैंने बताया था कि 14 जुलाई क्या है 1779 को क्रांति होती है और राजा को हटाने का कार्य करना शुरू कर देते हैं, वो एक संवैधानिक सभा का गठन कर लेते हैं। तो वो सब कुछ कार्य कैसे होता है, जो क्रांति है वो उस स्तर तक किस प्रकार से पहुंचती है उसको देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें है क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत करने के लिए मध्यम वर्ग ने और अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा था, साथ ही साथ राजा भी क्या है क्रांति को उकसाने का कार्य कर रहा था, क्योंकि वह लगातार क्या है लोगों पर करों की मार बढ़ा रहा था। अब जैसा कि मैंने बताया था कि राजा क्या है लगातार कर बढ़ा रहा था अपनी मन मर्जी से, तो लोग क्या है उससे परेशान थे। अब कर बढ़ाने का क्या है एक तरीका था कि कर बढ़ाने के लिए उसको स्वयं सीधा राजा क्या है अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता है, उसको कर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलानी पड़ेगी, एक सभा बुलानी पड़ेगी, एक तरह से कह सकते हो एक संवैधानिक सभा थी ये, ठीक है, बैठक बुलानी पड़ेगी और उस बैठक का जो निर्णय होगा, एस्टेट जनरल की बैठक का जो निर्णय होगा वही निर्णय के अनुसार क्या है कर बढ़ाया जाएगा, उतना ही कर बढ़ाया जाएगा जितना कर के लिए इस बैठक में मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले समझ लेते हैं एस्टेट जनरल क्या है। एस्टेट जनरल, देखो एस्टेट जनरल एक प्रकार से क्या है, जैसे अपने यहाँ पर संसद होती है जिसमें लोग चुनकर जाते हैं, उसी तरह का एक क्या है सभा होती है, ठीक है। तो एस्टेट जनरल की सभा के लिए चुनाव वगैरह या किस प्रकार से कौन लोग हैं जो इसके अंदर बैठते हैं वो सदस्य सीमा देखते हैं क्या होती है। एस्टेट जनरल के लिए क्या है, जैसे कि मैंने बताया था समाज तीन एस्टेट में बंटा हुआ था, तो तीनों एस्टेटों के प्रतिनिधि वहाँ पर चुनकर जाते हैं, तीनों एस्टेट्स के प्रतिनिधि वहाँ पर चुन के जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के। अब देखिए प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो किस प्रकार से चुने जाते हैं वो भी देख लेते हैं। इसकी सदस्य सीमा थी 300, इसकी भी सदस्य सीमा थी 300, और थर्ड स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा थी तो इनकी सदस्य सीमा थी 600, ठीक है। यानी संख्या में क्या है इन दोनों से ये क्या हो चुके थे, दुगने हो चुके थे। अब इसका सिस्टम क्या था स्टेट जनरल का, वोटिंग सिस्टम क्या था कि कोई भी निर्णय अगर लिया जाएगा उसके लिए क्या है प्रत्येक वर्ग का वोट डाला जाएगा, तो वो वोटिंग सिस्टम क्या था वो देखिए। फर्स्ट स्टेट के सदस्य कितने हैं 300, इनका सभी का क्या माना जाएगा, एक वोट माना जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेट के जो लोग हैं प्रतिनिधि है वो एस्टेट जनरल में उनकी वोटिंग पावर कितनी है, एक है। वैसे ही सेकंड स्टेट के जो लोग हैं उनकी वोटिंग पावर कितनी है, उनकी भी वोटिंग पावर एक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों की वोटिंग पावर कितनी है, एक एक है। लेकिन यहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी इनकी वोटिंग पावर कितनी है, वोटिंग पावर इनकी भी एक ही है। भले इन दोनों से दुगनी जनसंख्या है, यहाँ इनके प्रतिनिधि ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन फिर भी वोटिंग पावर क्या है इनके समान ही है। अब सोच के देखिए अगर कोई भी निर्णय लेना है, ये दोनों क्या है विशेषाधिकार वाले वर्ग हैं,
फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, ये अपनी मर्जी से अपने फ़ायदे वाला कार्य यही करवाएंगे, जैसे टाइथ था, टाइल था, इस प्रकार के जो कर लगवाए थे वो इनकी मनमर्जी से लगे थे। हालांकि ये जो कर लगाए गए थे उन सभी करों के लिए एस्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई थी, एस्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई थी इस प्रकार के करों के लिए, वो अपनी मनमर्जी से कर लगाए गए थे। इसका सबूत मिलता है कि जो अंतिम बैठक हुई थी एस्टेट जनरल की क्रांति से पहले, यानी इस बैठक से पहले, एस्टेट जनरल की जो पिछली बैठक हुई थी वो थी 1614 के अंदर। क्या है एस्टेट जनरल की जो पहली या सबसे इस बैठक से पहले की जो बैठक थी वो 1614 में हुई थी, और अब जो बैठक होने वाली थी वो क्या है 5 मई 1789 में क्या है एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। अब देखिए ये दोनों विशेषाधिकार वर्ग हैं, इनके ऊपर कर लगना नहीं था, कर लगना था इनके ऊपर, लेकिन फिर भी वोटिंग पावर किनके पास हो गई, इनके पास ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है एक दूसरे के पक्ष में वोट डालेंगे। पादरी भी चाहता था कि इन पर टैक्स बढ़े ताकि वो आराम से ज़्यादा खर्चा कर सके, इधर राजा भी वर्ग ये चाहता था, कुलीन वर्ग भी ये चाहता था कि इनको ऊपर टैक्स की मार बढ़ जाए, चाहिए हमें तो हमारी ऐसो आराम करनी है। तो अगर ये दोनों एक पक्ष में वोट डाल देते हैं, कर बढ़ाने के पक्ष में वोट डाल देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हार जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अब क्या है थर्ड स्टेट के लोग अब पागल नहीं रहे थे, वो शिक्षित हो चुके थे, और ज़्यादातर थर्ड स्टेट के लिए प्रतिनिधि जो चुनकर गए थे वो कौन से वर्ग के थे, मध्यम वर्ग के लोग प्रतिनिधि के रूप में चुनकर गए थे। अब मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो शिक्षित थे और वो इस प्रकार की फेजुअल सिस्टम को, सॉरी इस प्रकार के सिस्टम को समझते थे, जैसा कि मैंने बताया था उसके अंदर पेशेवर वकील थे, डॉक्टर थे, टीचर्स वगैरह थे, तो वो सारी इस प्रकार की जो कानूनी चीज़ें थी उनको वकील वगैरह वो जानते थे। तो अब मध्यम वर्ग के ये प्रतिनिधि थे यानी थर्ड स्टेट के जो लोग थे, इन्होंने आवाज़ उठाई कि भैया हम तो क्या है बैठक में तभी आएंगे, या बैठक क्या है संपन्न तभी होगी सही तरीके से जब सभी प्रत्येक व्यक्ति को क्या है अपना वोट डालने का अधिकार मिले, न कि पूरे एक एस्टेट जनरल के एक एस्टेट को वोट एक ही ना मिले, पूरे प्रत्येक व्यक्ति को एक एक वोट की पावर हो, यानी इनके पास 600 वोट्स की पावर हो, इनके पास 300 ही वोट की पावर हो, और इनके पास 300 ही वोट की पावर हो, ठीक है, यानी प्रत्येक वोट, प्रत्येक प्रतिनिधि का वोट मायने रखना चाहिए, न कि सिर्फ एक भाग का वोट एक ही हो। इस प्रकार की मांग थी थर्ड स्टेट की, और वो चाहते थे कि एस्टेट जनरल की बैठक जब कभी भी हो तो वो क्या है प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है एक वोट की समीक्षा की जाए। अब देखो इसमें क्या है सिर्फ मध्यम वर्ग के लोग आए थे, किसान या मजदूर वर्ग के लोग नहीं आए थे, लेकिन उनकी जो मांगे थी जो जो वो चाहते थे उनको लगभग 40,000 पत्रों के द्वारा मंगवाया गया था, उनकी मांगों को क्या है 40,000 पत्रों की सहायता से मंगवाया गया था, और वो चाहते थे कि ये जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएं, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने क्या है मध्यम वर्ग को प्रतिनिधि के रूप में भेजा था, और प्रतिनिधि ने सही भी किया कि भाई सभी के लिए एक वोट पावर होनी चाहिए। अब जब ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो हैं वो बोले कि हम तो नहीं मानते क्या है सभी के लिए एक वोट की पावर को, हमें गारंटी नहीं देते हैं, हम उसका आदेश नहीं देते हैं, तो थर्ड स्टेट ने क्या है इस सभा का को भंग कर दिया, या इस सभा का विरोध करते हुए बाहर निकल गए और कह दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं, हम तो हमारे लिए अलग से कानून बनाएंगे। तो देखिए क्या है थर्ड स्टेट ने क्या है इसका विरोध किया और बाहर आ गए, उनके लिए क्या है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या है वर्षाए के एक महल में क्या है रहने की जगह उनको दी गई थी, उसी वर्षाए के महल में उन्होंने क्या है टेनिस कोर्ट में थर्ड स्टेट के लोग जमा हुए उस वर्षाए के महल में टेनिस कोर्ट के अंदर, टेनिस कोर्ट का मतलब हो गया टेनिस खेलने वाली जो जगह है वहाँ पर ये सारे लोग इकट्ठा हुए, और अपने आप को यानी ये 600 लोग जो थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, असेंबली घोषित कर दिया, और ये चाहते थे कि ये क्या बनाए सभी के लिए समान अधिकार, अधिकार सभी को स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता वाली क्या बनाए, एक संविधान बनाए। किसके लिए संविधान बनाए, किसके लिए बनाए भाई, फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान बनाए जिसमें सभी को समान अधिकार हो और सभी को क्या हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो, इस प्रकार का वो संविधान बनाना चाहते थे। अब इसमें क्या है, दो इम्पोर्टेंट लोग हैं, मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो और आबेसिये, आबेसिये। अब देखिए मिराबियो क्या है, वैसे तो था एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति, कुलीन वर्ग का व्यक्ति था, यानी सेकंड एस्टेट से इसका संबंध था, ठीक है। कौन है, मिराबियो। लेकिन ये चाहता था कि सामंती व्यवस्था जो है, फेजुअल सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए, राजा का निरंकुश होना क्या है, बिल्कुल गलत है। मिराबियो इस प्रकार के विचारधारा वाला व्यक्ति था और इसीलिए उन्होंने, उसने क्या है, इस जो जनता थी भड़की हुई, त्रस्त जो जनता थी दुखों से, उसका क्या है, साथ दिया। साथ ही साथ सेकंड क्या है, आबेसिये। आबेसिये फर्स्ट स्टेट का व्यक्ति था, पादरी था। अब एक चीज़ बताना मैं भूल गया था आपको, कि जो फर्स्ट स्टेट में पादरी थे उन सभी को पास विशेषाधिकार नहीं थे, सिर्फ कुछ पादरियों के पास विशेषाधिकार थे। ये पादरी जो था वो विशेषाधिकार वालों में नहीं आता था, तो यह भी क्या है, विरोध करता था कि भले ही मैं फर्स्ट स्टेट का हूँ लेकिन किसी के पास भी क्या नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार का नियम नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से क्या है, भगवान ने जन्म दिया है, सभी समान रूप से यहाँ धरती पर रहते हैं, तो सभी को समान रूप से क्या है, कानून अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो फ्रांस के लिए कानून बनाने की नेशनल असेंबली को तैयार कर देते हैं, मिराबियो और आबेसिये जैसे प्रतिनिधि उनके पास थे, तो नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, घोषणा कर दी कि अब वो क्या है, संविधान बनाएंगे अपने आप देश के लिए, और उस संविधान के अनुसार ये क्या है, देश का सारा जो कार्यभार है वो चलेगा। तो उन्होंने क्या है, लगभग जून के अंदर प्रारूप बनाना शुरू कर दिया, संविधान का ढांचा बनाना शुरू कर दिया। किसने, नेशनल असेंबली ने, किसके लिए, फ्रांस के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया। अब जब ये कानून बनाना शुरू करते हैं तो उस समय क्या है, मैंने जैसे कि बताया फ्रांस में उस समय जून के महीने में हमारे यहाँ गर्मी होती है, लेकिन फ्रांस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और उस ठंड के कारण क्या है, फसल जो थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। सारी की सारी फसल बर्बाद होने के कारण क्या है, जो किसान थे उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, खाने के भी क्या है, अब प्रॉब्लम होगी किसानों के पास। दूसरा, जो बेकरी के लोग थे, यानी पाव रोटी जो बनाते थे, बेकरी के लोग थे या बेकरी चलाने वाले जो लोग थे, ठीक है, वो क्या है, अब जमाखोरी करना लगे थे। जमाखोरी का मतलब होता है वो महंगा बेचने के लिए क्या है, एक जगह जमा करके रखने लगे थे पाव रोटी वगैरह को, लेकिन लोग क्या है, उस बड़े बढ़ती हुई कीमतों के साथ क्या है, अपना भरण पोषण नहीं कर सकते थे। तो क्या है, पाव रोटी खरीदने की जो लाइन लगी थी, उस लाइन की महिलाओं ने क्या है, विरोध कर दिया और उस पूरी दुकान पर धावा बोल दिया, उन दुकानें वगैरह को लूटना शुरू किया। इसी के साथ क्या है, अफवाह फैलनी शुरू हो गई कि जो सामंत लोग हैं फ्रांस के, वो क्या कर रहे हैं, अपने क्या जो लाठी वाले या जो हथियारबंद सैनिक हैं उनको बुलाकर क्या है, जनता को मारा जा रहा है। साथ ही साथ क्या है, राजा ने भी आदेश दे दिया, राजा ने आदेश दे दिया कि जो पेरिस की सेना है वो शहर के अंदर आ जाए, और जो विरोधी लोग हैं, विद्रोही हैं, उनको क्या करें, उनका दमन करें, ठीक है। लेकिन सेना ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन इस प्रकार की अफवाह फैलने लगी कि लोगों को मारा जा रहा है, तो जो निम्न वर्ग के लोग थे, किसान थे, वो भी क्या है, अब उठ खड़े हुए और सारे के सारे जो हैं वो पेरिस के बेस्टाइल किले की तरफ क्या है, देश के बढ़ने लगे थे। आपके बुक के अंदर अगर आप पेज नंबर 9 के अंदर मैप देखोगे तो उसमें दिखाया गया है किस प्रकार से सभी लोग क्या है, एक ही जगह इकट्ठा हो रहे थे, बेस्टाइल के किले की तरफ लगातार कूच कर रहे थे, ताकि क्रांति क्या है, अपने पूरे जोर शोर से क्या कर सके, अपने मुकाम तक पहुंच सके। और इसी के लिए कारण क्या होता है कि 1789 में क्या करते हैं,
14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को क्या है, बैस्तिल का किला क्या कर दिया जाता है, ढहा दिया जाता है, राजा को बंदी बना लिया जाता है और राजा को कहा जाता है कि ये सारे के सारे जो विशेष अधिकार लोग के वर्ग हैं, इनके विशेष अधिकार क्या कर दिए जाए, नष्ट कर दिए जाए। उस किले को क्या है, नेस्तनाबूद कर दिया गया और क्या है, लगातार इस प्रकार के कार्य होते रहे। अंततः क्या है, राजा ने भी क्या है इस नेशनल असेंबली की मांगों को मान लिया और नेशनल असेंबली को क्या है, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कब है, 1791 में क्या है, राजा के ऊपर पूरे रूप से अंकुश लगा दिया गया और सम्राट की संगतियों पर पूरे रूप से अंकुश लगा दिया गया और संविधान प्रदान करने की क्या है के लिए, सभी के लिए मूलभूत संविधान प्रदान करने के लिए नेशनल असेंबली ने संविधान बनाना शुरू कर दिया और विशेष अधिकार जो थे सभी के वो ख़त्म कर दिए गए। यहाँ तक कि क्या है, 4 अगस्त 1789 को क्या है, रात को असेंबली ने क्या है, करों, कर्तव्यों और बंधनों वाले जो सामंती व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया, यानी न केवल विशेष अधिकारों को, लोगों के जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उनको, बल्कि साथ ही साथ जो फेजुअल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी, उसको भी क्या है 4 अगस्त को हटा दिया गया कि अब कोई सामंती वर्ग क्या है किसानों के ऊपर राज नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से क्या है ये कार्य नहीं करवाए जाएंगे। अब क्या है, नेक्स्ट अपने चलते हैं, ये तो होगी क्रांति की शुरुआत, क्रांति क्या है अपने पूरे जो मुकाम था उस तक पहुंच जाती है और बैस्ताइल के किले को ढहाकर राजा के निरंकुश वाद को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। अब देखिए, राजतंत्र का मतलब हो गया राजा का राज होगा, राजतंत्र का आशय क्या हो गया, राजा का राज होगा, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है, संविधान के अनुसार राजा को अब चलना पड़ेगा। तो उसको समझिए आप कि तीन चीज़ें बनाई थी, जैसे कि मैंने बताया था, रूसो ने बताया था कि सरकार कैसी होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए न्यायपालिका, एक कार्यपालिका जिसका जो क्या है कार्यभार संभालेगी, कार्य करेगी, और एक होनी चाहिए विधायिका, विधायिका, ठीक है। ये तीन भागों में क्या है सरकार को बंटना था। न्यायपालिका में कार्य कौन करेगा भाई, न्यायाधीश करेगा, ठीक है, न्यायाधीश का कार्य होगा न्यायपालिका अंदर। कार्यपालिका के अंदर दो भाग थे, एक तो सम्राट स्वयं था, क्योंकि ये राजतंत्रात्मक संवैधानिक क्या है सिस्टम था, और दूसरे थे मंत्री, ठीक है। इसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए क्या है विधायिका थी, और विधायिका के अंतर्गत कौन था, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, राजा के ऊपर कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या है कंट्रोल करने का सिस्टम बना लिया गया था, ठीक है। इसमें किस प्रकार से वोटिंग सिस्टम होता था, किस प्रकार से राजा को निरंकुशवाद से हटा कर रखा जाता था, किस प्रकार से नेशनल असेंबली राजा और मंत्री दोनों के ऊपर कंट्रोल किस प्रकार से करती थी, क्या राजा इसके ऊपर कंट्रोल कर सकता था, ये सारी चीज़ें अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। इतने तक क्या है, आप यहाँ तक का जो चीज़ें हैं उनको याद करें और समझें, एक या दो बार पढ़ के देखें, सुन के देखें, तो आपके समझ में आएगा। यहाँ तक का कार्य आप अपने नोटबुक में भी करें। इतने के लिए आप ध्यान में रखना कि फ्रांस की क्रांति हो चुकी है पूरी, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ चुका है और वो क्या है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में बंटा हुआ है, जिसको पूरे समक्ष संपूर्ण रूप में अपने क्या है बाद में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप क्या है पढ़िए इसको, समझिए। धन्यवाद।